नमस्ते एवरीवन, ये एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम करने के वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेंगे थोड़े से, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे, राइट। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और मेरे आगे आने वाले वीडियोज में हम काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेसिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आपको एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो तुम्हें टोटल चार फॉर्मूलेस याद रखने की ज़रूरत है। और वो जो चार फॉर्मूलेस है वो ये है। अब फॉर्मूलेस को देखने से पहले हमें एक चीज़ और एक जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि सबसे पहले जो वेव फॉर्म या जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है उसको सॉल्व करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है या ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो जो वेव फॉर्म या वो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो सिमेट्रिक वेव फॉर्म है या असिमेट्रिक वेव फॉर्म है। अगर वो एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो हमें ये दो फॉर्मूलेज यूज़ करके उसका आंसर निकालना पड़ता है, और अगर वो एक अनसिमेट्री या असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो ये दो फॉर्मूलेज यूज़ करके हमें उसका आंसर निकालना पड़ता है, राइट। अब शुरू करते हैं, बस बेसिक्स में आपको इतनी जानने की ज़रूरत है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म हमें दिया गया है। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वेव फॉर्म एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है या अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म का मतलब ये होता है कि सब गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ये यहाँ से तो यहाँ तक पॉजिटिव है और नेगेटिव दिया ही नहीं है, इसीलिए ये एक अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, राइट। मतलब बेसिकली ये मतलब हमें ये दो फॉर्मूलेज यूज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। अब पता चलने के बाद हमें सबसे पहले एक इक्वेशन निकालना पड़ता है, या बेसिकली हमें इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में 0 to π ये हमारा एक फुल साइकिल होगा। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी चीज़ें रिपीट हो रही है वो सेम चीज़ है। ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये और ये सेम है, तो मतलब यहाँ से तो यहाँ तक हमारी एक फुल साइकिल होगी, राइट। और उसके बाद अगर ये आपने इग्नोर भी कर दिया तो भी चलेगा। अब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। देखो, अब ये जो वेव फॉर्म है ये एक वोल्टेज वेव फॉर्म है। हमें कैसे पता चला कि ये एक वोल्टेज वेव फॉर्म है? यहाँ पे V लिखा है, मतलब यहाँ पे VmV है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, तो ये एक वोल्टेज वेव फॉर्म है। अगर ये एक वोल्टेज वेव फॉर्म है तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू Vm। Vm क्यों? क्योंकि Vm जो है वो इसका पीक वैल्यू है, राइट। सो इसलिए Vm, ये एक साइन वेव फॉर्म है इसलिए साइन, और यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा। ये हमारा इक्वेशन हो गया फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 0 to π, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इक्वेशन आ चुका है और आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब रिपीटेड ही है, तो यहाँ से तो यहाँ तक ही हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। अब हम डायरेक्टली एवरेज वैल्यू निकालने के ऊपर जंप करेंगे। सो V AVG मतलब वी एवरेज। सो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ फुल साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ फुल साइकिल अगर तुम्हें निकालना है, फुल साइकिल मतलब 0 to π, राइट। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, ओके, वी डी थीटा। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिखा तो तुम्हें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, नहीं। तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और कैलसी से ही अपने आंसर्स निकालने सारे के सारे। कैसे निकालने मैं बताऊंगा तुम लोग को। एंड उसके बाद बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, सो अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल क्या है? 0 to π, ठीक है। सो यहाँ पे पाई मतलब बेसिकली पाई लेंथ है उसका, 0 to π मतलब पाई लेंथ है ना, सो पाई अपॉन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी के जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दैट इज 0 to π, वी के जगह पे वी एम साइन थीटा डी थीटा एंड अपॉन पाई। अब ये जो कचरा पट्टी है वी एम, इसको हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वी एम 0 to π साइन थीटा डी थीटा अपॉन पाई। अब इसको हम कैलसी के मदद से सॉल्व करेंगे। तो अभी ये हमारा कैलसी है, तो सबसे पहले ये डब्बा अपॉन डब्बा वाला डब्बा दबाओ, आई मीन बटन दबाओ। उसके बाद
सबसे पहले क्या है, ऊपर इंटीग्रेशन है राइट, तो ये इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन दबाएंगे। अब नीचे लोअर लिमिट क्या है, जीरो, और अपर लिमिट क्या है, पाई। तो आपको यहाँ पे पाई नहीं लिखना है, पाई के जगह पे 180 लिखना है, क्योंकि पाई का जो डिग्री वाला वैल्यू है वो 180 है, ठीक है। उसके बाद साइन, तो अभी यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब जो थीटा है उसके जगह पे x यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम x डालेंगे, सो अल्फा x और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और नीचे पाए, अब यहाँ पे पाए के जगह पे भी पाए नहीं लिखेंगे, 180 लिखेंगे, क्योंकि पाए का जो डिग्री का वैल्यू है वो 180 है। इज इक्वल टू अगर दबाएंगे तो आंसर आता है 0.636, तो अभी इसका आंसर आता है 0.636 राइट। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.636 VM, ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब बेसिकली ये हमारा V एवरेज है। अब हमें V RMS कैलकुलेट करना है। वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वेयर्ड वेव फॉर्म, मतलब ये जो है ना तुम्हें बस इसका स्क्वायर करना है, दैट्स इट। सो दैट इज 0 पाई वी स्क्वायर d थीटा, ओके, एंड अपॉन क्या है, बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। तो अभी यहाँ पे बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल 0 to π, मतलब पाई ही है, तो यहाँ पे पाई ही आएगा, मतलब बस बेसिकली दो ही चेंजेस करना है, विच इज एक तो ये कैप देने का है और दूसरा ये जो v है उसकी जगह पे v स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर्ड वेव लिखा गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, देखो 0 to π v स्क्वायर, यानी कि v का जो वैल्यू उसका स्क्वायर होगा, दैट इज वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड अपॉन, मतलब ये पूरा ही होगा अपॉन पाए राइट। अब ये जो कचरा पट्टी है वो बाहर चली जाएगी, दैट इज अगर ये कचरा पट्टी बाहर चली गई तो वी एम आएगा, एंड अंदर 0 to π sin² θ d θ upon π ये आएगा। अब इसको हम कैल्सियम की मदद से सॉल्व करेंगे, सो अभी ये हमारा कैल्सियम है, सो अंडर रूट दबाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे दो डब्बे वाला ऑप्शन दबाएंगे, उसके बाद ऊपर क्या है, इंटीग्रेशन राइट। सो इंटीग्रेशन जो लोअर लिमिट है वो है 0, अपर लिमिट है पाए, तो पाए की जगह पे 180 आएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर है राइट, सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन और यहाँ पे एक्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इसका स्क्वायर, मतलब ऐसे, और उसके बाद नीचे पाए है, सो पाए की जगह पे 180 लिखा जाएगा, ओके, एंड इज इक्वल टू अगर दबाया तो आंसर इज 0.707। सो अभी यहाँ पे इसका जो आंसर आया था वो था 0.707 और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0.707 VM, और ये आपका VRMS का फाइनल आंसर है और ये आपका V एवरेज का फाइनल आंसर है।